नमस्कार, मैं तुषार गुप्ता डीएलएड के इस कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की चर्चा का विषय है पर्यावरण अध्ययन शिक्षण अधिगम में समस्या समाधान। शिक्षण एक ऐसी मशाल है जो बहुधा हमारे अज्ञानता के अंधकार को ज्ञान के प्रकाश से प्रज्वलित करती है। पर्यावरण अध्ययन विद्यार्थियों के पूर्वानुभवों को इस प्रकार विकसित कर सकता है जो उसके लिए नई पाठ्य वस्तु को सीखने में सहायक बन सके। फलस्वरूप विद्यार्थी उस नई पाठ्य वस्तु के प्रति अपनी खुद की समझ विकसित कर पाने में सक्षम हो पाता है। पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक का कार्य होता है कि वह विद्यार्थियों को पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य वस्तु के ज्ञान के बारे में समझ विकसित करने में सहायता करे। ऐसा करने में शिक्षक अपने एक विशेष प्रकार के ज्ञान शिक्षा शास्त्रीय पाठ्य वस्तु ज्ञान जिसे आंग्ल भाषा में पेडागॉजिकल कंटेंट नॉलेज कहते हैं का उपयोग करके विद्यार्थी को किसी पाठ्य वस्तु विशेष का शिक्षण इस प्रकार करता है जिससे कि छात्रों की उस पाठ्य वस्तु के संबंध में अनुकूलतम समझ विकसित हो सके। पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक को किसी क्रियाकलाप या पाठ्य वस्तु का चयन करने से पहले या शामिल करने से पहले इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि उक्त क्रियाकलाप से विद्यार्थी के चिंतन कौशल व समस्या समाधान की क्षमता का विकास होगा अथवा नहीं। पर्यावरण अध्ययन के एक शिक्षक के रूप में हमें जीवन पर्यंत अपने आप को एक अध्येता के रूप में समझना चाहिए। हमेशा प्रभावी शिक्षण विधियों पढ़ाई जाने वाली विषय वस्तु तथा विद्यालय के बाहर के वातावरण व संस्कृति जिसमें हमारे विद्यार्थी रहते हैं के संदर्भ में सदैव नवीन अन्वेषण करते रहना चाहिए, तभी हम पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण अधिगम में समस्या समाधान विधि का अनुकूलतम उपयोग कर सकेंगे। पर्यावरण अध्ययन शिक्षण में समस्या समाधान विधि एक तकनीक है जो विद्यार्थियों को कुछ व्यवस्थित चरणों का पालन करके समस्याओं को पूरी तरह स्वतंत्र रूप से अथवा निर्देशित दृष्टिकोण के माध्यम से हल करने का अवसर प्रदान करती है। समस्या समाधान चिंतन का एक प्रकार है जिसे चेतन सुविचारित प्रयास के लिए आवश्यक हल निष्कर्ष अथवा उत्तर के द्वारा चिन्हित किया जाता है। इसका आशय है कि विद्यार्थी ने समस्या समाधान का कौशल सीखकर आवश्यक जानकारी अर्जित कर ली है जो न केवल पाठ्यचर्या से बल्कि दैनिक जीवन से भी संबंधित है। समस्या समाधान के दौरान समस्या के लिए विद्यार्थी में वांछित कौशलों में अभिवृद्धि की जा सकती है, जहां विद्यार्थी ऐसी परिस्थिति को ढूंढ सकते हैं, वैकल्पिक प्रक्रियाओं को देख सकते हैं, चरों को नियंत्रित कर सकते हैं, मॉडल बना सकते हैं तथा तर्क बुद्धि का प्रयोग कर सकते हैं। समस्या समाधान में सफलता मिलने पर विद्यार्थी में उपलब्धि की भावना पैदा होती है जिससे उसका आत्मविश्वास बहुत बढ़ जाता है। समस्या का समाधान सदैव विद्यार्थी के पूर्व ज्ञान से करना चाहिए, यह बहुत ही पते की बात है। समस्या समाधान विधि के कुछ उद्देश्य होते हैं जो किसी समस्या के समाधान के लिए विद्यार्थी को प्रेरित करते हैं। समस्या समाधान संप्रत्ययों का पुनर्विन्यास होता है जिससे कठिनाइयों पर विजय प्राप्त करके निर्दिष्ट लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सके। यह पूर्व अर्जित ज्ञान एवं कौशल को नई परिस्थिति में अनुप्रयोग करने तथा हस्तांतरित करने में सहायता प्रदान करता है। समस्या समाधान के द्वारा उच्च स्तरीय चिंतन कौशल का मूल्यांकन भी किया जाता है। इस विधि में मानसिक कार्यों एवं निष्कर्षों पर अधिक बल दिया जाता है। समस्या समाधान की गतिविधियों में विद्यार्थी अपने विचारों को पुनर्गठित अथवा अनुभवों को पुनर्निर्मित करता है ताकि वह बाधाओं को पार करके अपना लक्ष्य हासिल कर सके। समस्या समाधान की विधि अन्य विधियों की अपेक्षा पर्यावरण अध्ययन में
अधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें समस्या का चयन विद्यार्थी स्वयं करके उसे अपने मानसिक शक्ति, तर्क बुद्धि और विचारों के आधार पर हल करके नवीन ज्ञान की खोज करता है। समस्या समाधान विधि का विकास प्रयोजनवाद अर्थात प्रैग्मेटिज्म के फलस्वरूप हुआ है। यह शिक्षण की अन्वेषण विधि से मिलती जुलती प्रतीत होती है। यह विधि शिक्षार्थियों में तार्किक और निरीक्षण शक्ति के विकास में सहायक होती है। समस्या समाधान की विधि की परिभाषाओं में सृजनात्मक चिंतन, प्रत्यय निर्माण, अंतर्दृष्टि, तार्किक चिंतन आदि शब्दावलियों का प्रयोग किया जाता है और उनकी विवेचना भी की जाती है। विद्यार्थियों द्वारा समस्या समाधान के लिए सोद्देश्य प्रयत्न करने होते हैं। समस्या समाधान की रूपरेखा रचनात्मक चिंतन एवं तर्क से युक्त होती है। समस्या समाधान अधिगम का ही एक रूप होता है, जिसमें उपयुक्त अनुक्रिया की खोज अपेक्षित होती है। समस्या समाधान समस्या पर आधारित एक ऐसी अधिगम विधि है जो विद्यार्थियों को समाधान पर पहुंचने अथवा प्रस्तुत समस्या के वैकल्पिक समाधान ढूंढने में सहायता करती है। पर्यावरण शिक्षण अधिगम में समस्या समाधान को एक दिलचस्प प्रसंग के माध्यम से समझा जा सकता है। एक दिन दो बच्चे पतंग उड़ाना चाहते थे। उन्होंने पुराने अखबारों से कागज के कुछ टुकड़ों को लेकर लकड़ी के कुछ पतले बेतों पर चिपकाकर एक पतंग बना दी। उन्होंने पतंग में धागा बांध दिया और छत पर जाकर हवा की दिशा को देखकर उसे उड़ाने का प्रयास करने लगे, लेकिन वह नहीं उड़ी। इससे पहले कि वे दूसरी बार प्रयास करते, उन्होंने पतंग को फिर से मापा और जांचा कि गांठ ठीक से लगी है अथवा नहीं। गांठ को जांचकर उन्होंने पुनः पतंग उड़ाने का प्रयत्न किया। पतंग तब भी ना उड़ सकी। अब उन्होंने सोचा कि पतंग की पूंछ बहुत छोटी है, इसलिए उन्होंने कागज के कुछ और टुकड़े लेकर पतंग की पूंछ पर चिपकाए और इसे थोड़ा और लंबा बनाया। इस बार पतंग तो ऊपर उड़ी, लेकिन फिर यह नीचे गिर गई। अब उनके पास कुछ संकेत थे। उन्होंने इसकी पूंछ को थोड़ा छोटा कर दिया। परिणाम स्वरूप वे पतंग उड़ाने में सफल हुए। इस प्रसंग में जब पतंग उड़ नहीं पा रही थी, तो उन्होंने समस्या की जांच की और कुछ परिकल्पनाओं के साथ निष्कर्ष निकाला और फलस्वरूप समस्या को हल करने के लिए कुछ करने का दृढ़ निश्चय किया और समस्या को हल कर लिया। बच्चों ने करके सीखने के दौरान जिस समाधान को खोजा था, उसकी वैधता के लिए वे उसका अनुप्रयोग करके भी देखते हैं और इस प्रकार विद्यार्थी अपनी समस्या का समाधान कर पाते हैं। समस्या समाधान विधि वैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित होती है। शिक्षक को चाहिए कि वह विद्यार्थियों में प्राकृतिक रूप से पाई जाने वाली अवलोकन क्षमता, तार्किक चिंतन और सृजनात्मक क्षमता को व्यवस्थित रूप से प्रोत्साहित करे, जिससे कि विद्यार्थी अपनी समस्याओं का समाधान स्वतंत्र तरीके से स्वयं कर पाने में सक्षम हो सकें। इसका अर्थ है कि किसी व्यक्ति ने समस्याओं को हल करने के लिए कौशल सीख लिया है तथा उचित तौर पर आवश्यक जानकारी भी प्राप्त कर ली है, जो कि न केवल पाठ्यचर्या बल्कि दैनिक जीवन से संबंधित है। समस्या समाधान के विभिन्न चरण होते हैं, जिन्हें हम सिलसिलेवार तरीके से अब आगे डिस्कस करेंगे। पहला है समस्या का चयन। समस्या समाधान में सर्वप्रथम शिक्षक को समस्या का चुनाव करते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि पर्यावरण से संबंधित जिस समस्या का वह चयन कर रहा है, विद्यार्थी उस समस्या के समाधान की आवश्यकता महसूस भी कर रहे हैं अथवा नहीं। दूसरा है समस्या का प्रस्तुतीकरण और परिकल्पनाओं का निर्माण। समस्या समाधान के दूसरे चरण में शिक्षक विद्यार्थियों को इसके
समाधान की पद्धति के बारे में बताता है ताकि विद्यार्थियों को कार्य करने में आसानी हो। समस्या के संभावित समाधान के लिए परिकल्पनाओं का निर्माण किया जाता है। इसी क्रम में तीसरा चरण है समस्या संबंधित प्रदत्तों का संकलन, विश्लेषण और व्यवस्थापन। इसके अंतर्गत परिकल्पनाओं के निर्माण के बाद समस्या से संबंधित आंकड़ों का संकलन करके उनका विश्लेषण किया जाता है, तत्पश्चात उन्हें क्रमबद्ध किया जाता है। इसी क्रम में चौथा चरण आता है संभावित समाधान के बारे में तथ्यों का मूल्यांकन। इस चरण में शिक्षक एवं शिक्षार्थी दोनों मिलकर समस्या से संबंधित तथ्यों की जांच करके यह पता लगाते हैं कि कौन कौन से तथ्य समस्या के अनुरूप हैं तथा किन तथ्यों को अस्वीकृत किया जा सकता है। प्रदत्तों के विश्लेषण के मूल्यांकन के बाद समस्या को हल करने का प्रयत्न किया जाता है। पांचवा चरण है सामान्यीकरण एवं निष्कर्ष निकालना। प्रदत्तों के विश्लेषण के बाद तथ्यों का सामान्यीकरण किया जाता है। सामान्यीकरण की सहायता से निष्कर्षों का सत्यापन भी किया जाता है। छठवां और अंतिम चरण है परिणामों का मूल्यांकन एवं समस्या का रिकॉर्ड तैयार करना। इस चरण में समस्या का रिकॉर्ड तैयार किया जाता है तथा समस्या समाधान के लिए जो परिणाम प्राप्त हुए हैं शिक्षक एवं शिक्षार्थी दोनों मिलकर उसका मूल्यांकन करते हैं और इस प्रकार समस्या का समाधान हो जाता है। समस्या समाधान विधि के बहुत से लाभ भी हैं जिसकी वजह से यह इतनी प्रचलित है। पर्यावरण अध्ययन में शिक्षण अधिगम में समस्या समाधान के विधि के लाभों में सर्वप्रथम इसके अंतर्गत विद्यार्थी प्रस्तुत समस्या में स्वयं रुचि लेता है और उसके समाधान के लिए निरंतर प्रयासरत रहते हैं। इससे उनकी कार्य करने की क्षमता बढ़ जाती है। दूसरे, इस विधि में विद्यार्थियों को अपने ज्ञान एवं अनुभवों को उपयोग में लाने के लिए समुचित अवसर प्राप्त होते हैं। समस्या समाधान विधि के प्रयोग से विद्यार्थी जीवन में आगे आने वाली समस्याओं के समाधान हेतु निरंतर तैयार रहता है। इस विधि में विद्यार्थी सिर्फ पुस्तकीय ज्ञान पर निर्भर नहीं रहते अपितु समस्या समाधान के लिए अपनी तार्किक शक्ति व अनुभव का प्रयोग करते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप उनमें वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास होता है। समस्या समाधान की विधि करके सीखने अर्थात लर्निंग बाय डूइंग पर आधारित है, इसलिए इस विधि के माध्यम से अर्जित ज्ञान अपेक्षाकृत स्थायी एवं दीर्घावधि तक दिमाग में बना रहता है। यह विधि विद्यार्थियों में स्व अनुशासन की भावना का भी विकास करती है। समस्या समाधान की विधि के माध्यम से विद्यार्थी समूह में कार्य करना सीख जाते हैं। यह एक इसकी बहुत बड़ी खासियत है कि विद्यार्थी अपने सहयोगी मित्रों और संगी साथियों के साथ किसी कार्य को करने में संलग्न होते हैं और पूरी तत्परता के साथ उस कार्य को करते हैं। चूंकि इस विधि में शिक्षक शिक्षार्थी दोनों मिलकर समस्या का समाधान करते हैं, जिसकी वजह से उनके संबंधों में प्रगाढ़ता आती है और पठन पाठन सुगम हो जाता है। जहाँ तक हमने देखा समस्या समाधान विधि के बहुत से लाभ हैं, वहीं इसके कुछ चुनौतियाँ भी हैं। मसलन समस्या समाधान विधि श्रम साध्य तो है ही, साथ ही इसमें विद्यार्थी द्वारा लगने वाले समय की वजह से भी इसकी आलोचना की जाती है। यह विधि छोटी कक्षाओं के लिए उपयोगी नहीं होती, क्योंकि मशहूर मनोवैज्ञानिक पियाजे के संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार 11-12 साल से नीचे के विद्यार्थियों का मानसिक स्तर अमूर्त चिंतन के लिए तैयार नहीं होता है। इसलिए छोटी कक्षाओं में इस विधि की सफलता हमेशा संदेह के दायरे में रहती है। उच्च स्तरीय कक्षाओं में
तो समस्या समाधान विधि बहुत ही कारगर सिद्ध होती है और विद्यार्थियों के मानसिक विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है। समस्या समाधान विधि में समस्या का चुनाव करना शिक्षक के लिए कठिन कार्य होता है। पर्यावरण अध्ययन शिक्षण में इस विधि का प्रयोग करने के लिए दक्ष व अनुभवी शिक्षकों की आवश्यकता होती है, क्योंकि समस्या का चुनाव करना आसान कार्य नहीं है, क्योंकि हर समस्या को हम समस्या समाधान के अंतर्गत नहीं ला सकते हैं और इसमें शिक्षकों की व्यक्तिगत दक्षता भी मायने रखती है। जो अध्यापक दक्षता पूर्वक समस्या का विश्लेषण करेगा और निर्धारित करेगा कि अमुक समस्या समस्या समाधान विधि के अंतर्गत आती है या नहीं। इस विधि के माध्यम से संपूर्ण विषय वस्तु का शिक्षण नहीं किया जा सकता है, अपितु केवल समस्या से संबंधित प्रकरणों या अंशों का ही अध्ययन किया जाता है। समस्या समाधान विधि दीर्घावधि की होने के कारण इसमें अधिगम की गति मंद रहती है। विद्यार्थी इसमें द्रुत गति से अधिगम नहीं कर सकता है। साथ ही जब हम संपूर्ण विषय वस्तु का शिक्षण इस विधि से नहीं कर सकते हैं तो विभिन्न शिक्षाविदों की नज़र में यह विधि बहुत ही उपयोगी नहीं जानी जाती है। समस्या समाधान विधि का प्रयोग करने के बाद जो परिणाम प्राप्त होते हैं, असंतोषजनक होने की स्थिति में विद्यार्थियों के मनोबल को कम कर देती है। जैसा कि हमने अभी इसके पहले यह चर्चा की कि संतोषजनक अगर परिणाम आता है तब तो विद्यार्थियों का मनोबल बढ़ता है और वो उत्साहित होते हैं, किंतु यदि इस विधि का परिणाम असंतोषजनक आता है तो विद्यार्थियों में असंतोष की भावना पैदा हो जाती है और उनका मनोबल टूट जाता है। तो यह भी एक बहुत बड़ी कमी है इस समस्या समाधान विधि की। समस्या समाधान के दौरान कभी कभी साधनों को एकत्र करने में यह विधि पर्याप्त खर्चीली प्रतीत होती है, क्योंकि परिकल्पनाओं का निर्माण करने में और जैसे कि कहा गया कि साधनों को एकत्र करने में, क्योंकि समस्या का स्वरूप कैसा है, समस्या का स्वरूप विकराल भी हो सकता है, समस्या सामान्य भी हो सकती है। यदि समस्या बड़ी है तो उसके समाधान के लिए जो साधन हमें जुटाने होंगे निश्चित तौर पर वह काफ़ी खर्चीले होंगे, जिस वजह से यह विधि की आलोचना की जाती है। इस पूरे प्रकरण में हमने देखा कि समस्या समाधान की विधि के जहाँ पे अनेकों लाभ हैं वहीं पर इसके दोष भी हैं। फिर भी हम यह कह सकते हैं कि उच्च स्तर की कक्षाओं में समस्या समाधान विधि बहुत उपयोगी सिद्ध होती है, और दोष के रूप में हम यह कह सकते हैं कि निम्न स्तर की कक्षाओं में यह उतनी उपयोगी सिद्ध नहीं हो पाती है। इस प्रकार आज की चर्चा में हमने जाना कि पर्यावरण अध्ययन के अंतर्गत शिक्षण अधिगम में समस्या समाधान क्या है तथा इसके विभिन्न चरणों की विस्तारपूर्वक व्याख्या की। साथ ही पर्यावरण अध्ययन में समस्या समाधान विधि के गुणदोषों पर भी प्रकाश डाला। आज की चर्चा बस इतनी ही, अगली चर्चा पर फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।